हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाशवाणी टेक। और आज हम रिव्यू करने वाले वाटर स्प्रे गन का। तो ये आप लोकल स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं, ये 100 रुपये में आपको मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक गिवन है, वहाँ से आप इसे ख़रीद सकते हैं। तो इस तरीके से ये लॉक हो जाती है, देखिए, ठीक है। और इसको लॉक करके ही रखें यहाँ पे, और यहाँ से ये जो रोटेट करके आप इसका जो प्रेशर है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्प्रे की फॉर्म में करना है या फिर आप पॉइंट की तरफ करना है, तो इस तरह से लॉक लगाना है। इसके नीचे पाइप के नीचे लॉक भी लगा हुआ है, तो ये लॉक आपको ज़रूरी है लगाना। तो मैंने मेरी जो पाइप वो लगा ली है, और इसको ऐसे रोटेट करके आप इसका जो प्रेशर है वो मेंटेन कर सकते हैं, या तो आप इसको स्प्रे की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये स्प्रे बन गया, लेकिन इतना स्प्रे इतना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा जितना मैंने अभी वीडियो में कर रखा है। इसको थोड़ा सा और करेंगे ना तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा ये। अभी से सफाई हो नहीं रही, देखिए। तो जैसे ही मैं इसको थोड़ा रोटेट करूँगा तो इसका प्रेशर एकदम हाई हो जाता है, और आवाज़ सुन पा रहे होंगे आप इसकी। तो काफ़ी वीडियो में देखने से लगता है इसका प्रेशर ज़्यादा नहीं है, लेकिन रियलिटी में मैं आपको बताता हूँ, इसका काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। और इसमें जो मैंने मोटर यूज़ की है वो जो घर वाली मोटर होती है वही इसमें मैंने यूज़ की है। कोई स्पेशल मैंने जो वो आते हैं प्रेशर वॉशर पूरा सेटअप वो मैंने नहीं लिया है, सिर्फ ये जो गन देख रहे हैं आप, ये 100 रुपये की गन आती है और पीतल की होती है, अंदर से बाहर से प्लास्टिक होता है। तो इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं किसी भी स्कूटी को, कार को। काफ़ी अच्छा प्रेशर है इसका, जो डस्ट वगैरह होती है टायर के नीचे वो इजीली क्लीन हो जाती है। बस आपको जो लॉक्स है ना वो लॉक्स अच्छे से लगाने पड़ेंगे, नहीं तो ये आपकी जो पाइप है निकल जाएगी। थोड़ा कपड़ा लगा के उसके ऊपर लॉक्स लगाएं, नहीं तो आपकी जो पाइप है वो थोड़ी कट सकती है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइट बांधना पड़ता है उसको, लॉक्स को। तो उस वजह से आपकी पाइप जो है थोड़ी कट सकती है, इस वजह से थोड़ा सा कपड़ा लगा के रखें नीचे। और इसके बाद मैं कार वॉश भी करके दिखाऊंगा इसमें जो, जैसे कि मैं स्कूटी पे तो आप कैसे भी मार सकते हैं, जो हाई प्रेशर है तो स्कूटी पे तो आप मार सकते हैं आप, इतना वो नहीं है। लेकिन जो कार का पेंट होता है ना, वहाँ पे आप इसको हाई बीम प्रेशर के साथ यूज़ ना करें, थोड़ा सा इसको आप स्प्रे बना लें। अभी देखिए, जैसे मैं टायर के नीचे साफ़ कर रहा हूँ मिट्टी, तो यहाँ पर आप हाई बीम प्रेशर के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, सारी मिट्टी निकाल देगा ईज़िली। जो आप वॉश करवा के आते हैं बाहर, उससे थोड़ा सा इसका कम प्रेशर है, उतना प्रेशर नहीं है, लेकिन इसका जो प्रेशर है वो गाड़ी के लिए सेफ़ होता है बिल्कुल। ऐसा मत सोचना कि ये गाड़ी के पेंट को उतार देगा, नहीं, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है। लेकिन जो आप सफाई करवाते हो ना बाहर से, तो वहाँ पे इसका जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, आपका पेंट वेंट उतर सकता है वहाँ पे अगर वो ढंग से साफ़ ना करें तो। देखिए, मैं मार रहा हूँ इस वक्त गाड़ी के पेंट के ऊपर, लेकिन इस इतना फ़ायदेमंद नहीं है पेंट के ऊपर ये ऐसे मारना, ठीक है। अभी तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको दिखाऊंगा इसको स्प्रे बना के। उस टाइम मेरे को पता नहीं था, तो मैं अभी वॉइस ओवर दे रहा हूँ इस वीडियो पे। और इसका कम से कम 10 मीटर तक, 10 मीटर नहीं, काफ़ी दूर तक इसका जाता है, 7-8 मीटर तक इसकी जो रेंज है वो जाती है पानी की। वैसे वीडियो में ऐसे लग रहा है बिल्कुल कम प्रेशर है, पर रियलिटी में इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा था। आप आवाज़ से सुन पा रहे होंगे, जैसे आवाज़ टकरा, मतलब पानी टकरा रहा है गाड़ी पे, तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो इसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरीके से कार क्लीन कर सकते हैं, पहले आप एक बार वॉश करें, उसके बाद आप शैम्पू करें कार को, और फिर आप उसको फिर से वॉश करें, तो एकदम क्लीन हो जाती है गाड़ी। और कभी भी जो है कॉटन का क्लॉथ हो गया या फिर दूसरे क्लॉथ हो गए वो यूज़ ना करें, एक स्पेशल फाइबर क्लॉथ आता है कार के लिए वो यूज़ करें। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा स्प्रे टाइप का बना ली है गन मेरी, और काफ़ी अच्छी, देखिए मिट्टी काफ़ी साफ़ हो रही है। तो मैंने जो थोड़ा सा और घुमा कर इसको स्प्रे टाइप का बना लिया है, अब थोड़ा सा स्प्रे की फॉर्म में पानी निकल रहा है और काफ़ी अच्छा साफ़ हो रहा है, ठीक है। पहले सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पानी जा रहा था, अभी थोड़ा सा डिवाइड हो गया पानी, और काफ़ी अच्छा जो पेंट होता है ना तो इसके ऊपर सफाई करना काफ़ी इजी हो जाता है स्प्रे की फॉर्म में अगर आप यूज़ करेंगे तो। देखिए, सारी मिट्टी विट्टी जितनी भी थी
विंडशील्ड पे, और यहाँ पे मिट्टी जमा हो जाती है वाइपर के नीचे, तो ये काफ़ी इजीली हो जाता है इसकी मदद से साफ़ करना। जो आप नॉर्मली मोटर लगा के धोते हैं घर पे पानी, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये। अगर आपको पूरा पैकेज लेना है तो मैं बेस्ट जो होते हैं वाटर प्रेशर, ये जो पूरा सेटअप होता है मोटर के साथ, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो भी आप बाय कर सकते हैं। बाकी ये भी बाय कर सकते हैं आप। ये देखिए बिल्कुल सारी मिट्टी इसने निकाल दी है। मैं वीडियो मतलब ढंग से बना नहीं पा रहा था उस टाइम, तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा। मैं ढंग से वीडियो बना नहीं पा रहा था उस टाइम, क्योंकि मेरे को कार भी वॉश करनी थी और एक हाथ में मेरे फ़ोन था, और फ़ोन को पानी से भी बजाना होता है। तो मैं कोशिश कर रहा था कि वीडियो मैं बना पाऊँ, लेकिन काफ़ी अंधेरा था उस जगह पे, टायर की उस साइड काफ़ी अंधेरा था, तो इस वजह से वीडियो ढंग से नहीं बनी। और देखिए अलॉय व्हील को एकदम इसने ज़बरदस्त साफ़ कर दिया है। और जैसे ये होने के बाद आपको इसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर थोड़ा सा शैम्पू के साथ इसको साफ़ करना है, ठीक है? और फिर जैसे ही वो झाग से थोड़े से सूख जाएंगे, फिर आप पानी से इसको दोबारा साफ़ कर दें। और जो कंडेंसर होते हैं इसके ऊपर भी आप पानी थोड़ा सा मार दें, ये एसी का कंडेंसर होता है नीचे। तो देखिए बिल्कुल सारी मिट्टी जो है निकल जाएगी। और भाई ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से साफ़ हो रही है। लेकिन इसमें आप हाई बीम का प्रेशर यूज़ ना करें, इसको थोड़ा सा स्प्रे की फॉर्म में बना लें, और ऐसा बनाएं कि इसका प्रेशर जो है ज़्यादा रहे और स्प्रे की फॉर्म में भी हो जाए। देखिए अब स्प्रे की फॉर्म में मैं कर रहा हूँ, इसका प्रेशर भी कम नहीं हुआ, प्रेशर भी ज़्यादा है। ये देखिए अच्छे से साफ़ करें बिल्कुल। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है इसका, वहाँ से जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं। वैसे तो अगर लोकल हार्डवेयर स्टोर से आप पता करेंगे तो ये मिल जाएगी। देखिए मोटर के ऊपर भी मैंने यहाँ पे लॉक लगा रखा है, कपड़े के ऊपर लॉक लगाया है। मुझे नहीं पता ये वीडियो एकदम काली कैसे होगी। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। 100 रुपये में आपको लोकल हार्डवेयर स्टोर से मिल जाता है, 100, 150, 150 रुपये में आपको मिल जाएगा, 100 से 150 रुपये में, मुझे ये 100 रुपये में मिला है। तो इस तरीके से रोटेट करके आप इसका प्रेशर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, स्प्रे की फॉर्म में या हाई बीम प्रेशर, जो भी आप करना चाहते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।